नमस्कार मु तपन। राज्य में धान किणा अवधि वृद्धि आउ हेबो नाही। धान किणवाई जो समय सीमा धार्य रही शेष हो जाए। समय सीमा वृद्धि पाई केंद्र सरकार को चिठी लिखिबे नाही बोली राज्य सरकार रोकठोक कही देइछन्ते। राज्य समवाय खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई एहा मध्ये कहिछन्ते। अभियोग अनुसार विरोधी चाषीों पर कांदू नाहंती बरंग मध्यस्थीों पर कांदुछन्ती बोली कहिछन्ते मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई। राज्यर सीमावर्ती जिलागुड़िक चाषीों धान किणा जा नथिबा नै विरोधी अभियोग आणुछन्ते। राज्यर 17 जिले में रबी चाष हेउछि हेले 30 जिले में विरोधी आंदोलन करुवा मंत्री कहते। चलित बर्ष राज्य में 83% चाषी धान बिक्री करथिबा बेले चलित बर्ष 91% चाषी धान बिक्री करिछन्ते। तेणु चलित बर्ष 8% अधिक चाषी धान विक्रय करिछन्ते। चलित बर्ष अधिक 18% 62,93,000 मेट्रिक टन धान किणिछन्ते राज्य सरकार। तेणु 18% धान एठी किणा जाइथिबा मंत्री पक्षर कहुई। मोट 2,03,799 जन चाषी रबी धान किणी राज्य सरकार। राज्य तमाम चाषी गत दुई दिन धरी चाषी धान किणा नहीं आंदोलन करजेपी। धान किणा अवधि वृद्धि करने बीजेपी पक्षर दावी करने राज्य सरकार केन्द्र को चिठी लिखापी दावी होस। आगामी दिन में चाषी मान जोरदार आंदोलन करने को बीजेपी चेतावनी देखे। कंग्रेस चाषी सरकार धान किणवाक दावी कर तेज चाषी को नहीं सब दल राजनीति कर। दिल्ली में केन्द्र सरकार विरोध में चाषी आंदोलन करुवा बेले ओडिशा रे राज्य सरकार विरोध में आंदोलन करुछी बीजेपी। तबे तमाम घटना को नहीं आज आलोचना धान बिक्री को नहीं चिंता। गोटे पटे चाषीर धान किभली मंडी रे बिक्री हेबो से नहीं चाषी चिंता रे थिबा बेले आउ गोटे पटे चाषीर धान मंडी रे आउ बिक्री करा जाय पारिबो नाही बा जेउ धान बिक्री करिवार अवधि रहितला मंडी रे से अवधि को वर्तमान आउ बढ़ा जीव नाही बोली राज्य सरकार तरफ नहीं स्पष्ट कर दि जाएगी। बीजेपी तरफ लगातार भाव में चाषी धान मंडी में जहाँ पड़ रही मंडी में चाषी धान किणवाई कि अवधि वृद्धि करने लगातार भाव में राज्य सरकार को दाबीपत्र जना जाऊँ जे केन्द्र निकट को चिठी लिखा जाऊ मंडी में धान किणार अवधि को वृद्धि करा जाओ जहाँ को लेकिन बीजेपी प्रतिवाद आंदोलन करूँ ता बाद मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई सरकार तरफ सीधा सीधा कही जे चलित बर्ष 91% धान किणा जा जो भाई भाव में 91% धान किणा जा तेज आउ चाषी धान किणा हेबो नाही। तबे संपर्क में अधिक आलोचना करिबा आम सहित अच्छा संदीप दास अच्छा कृषि विशेषज्ञ। आम सहित रे सूर्य नारायण पटनायक जिला कृषक संघर सभापति गजपतिर एवं प्रदीप पुरोहित आम सहित रे बीजेपी नेता आम सहित जोड़ी हो जाए। सर आपन को स्वागत करी ओडिशा को। प्रदीप बाबू प्रथम आपन ठार आलोचना आरंभ करने चाहिए कारण जदि आम देखा बीजेपी तरफ लगातार भाव में चाषी स्वार्थ कथा को ये उठा जाता जो भाई भाव में जो सब मंडी गुड़िक चाषी धान एवं पड़ रही बिक्री हो पारिना से सब मंडी गुड़िकर चाषी मान धान किभली बिक्री करें धान दे पारे मंडी में से नहीं कि लगातार भाव में सरकार निकटने राज्य सरकार निकटने दाबी करूँ। आउ गोटे पटे मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई जहाँ कहते जे गत वर्ष आम 83% धान किणीलु एथर आम 91% धान किणीचु किंतु विरोधी माने केवल मध्यस्थी को खुशी करने राजनीति करूँ मत कौन देखो। भारतीय जनता पार्टी ए जो चाषी मान समस्या रही लगातार एवं ए रवि ऋतु खरीफ ऋतु जहाँ समस्या थी राज्यवासी देखिले चाषी मैंने भोगिले ए रवि ऋतु भी समान दशा चाषी मैंने भोगिले एवं सबुथ बड़ कारण माननीय मंत्री महोदय जो शब्द व्यवहार कर जे जे दलाल मानकर सपक्षरे जाउछन्ति प्रथमे मंत्री महोदय कहि दियंतु उत्तर दे दियंतु जे जो 20,000 चासी जो माने रजिस्ट्रेशन करथिले एवं जो माने टोकन पाइथिले एवं मंडी रे धान बिक्री करि पालेले नाही को कारण जो बिक्री करिले पालेले नाही मु दुई तीनटा मुख्य कारण आपन को कहिबाकु चाहिबि। प्रथम कथा तो हला जे रवि ऋतु रे अवधि सरकार 12 दिन कर देला खरीफ रे मासे थिला एथर टोकन रो जीवनटा 12 दिन हे गला एवं द्वितीय कथा हला जो डीएलपीसी मीटिंग हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पेडी प्रोक्योरमेंट कमिटी
बरगढ़ जिले रे अपन दुई मास धान किणा जाए रवि ऋतु रे मे एवं जून किंतु खोलिला केबे मंडी गुडाको डीएलपीसी मीटिंग स्थिर कला जे मे एक तारीख रु खोलिबो मंडी बरगढ़ जिले रे मंडी गुडाको खोलिला कोठी 10 तारीख कोठी 12 तारीख कोठी 8 तारीख कोलाहांडी जिले रे डीएलपीसी स्थिर कला जे मंडी गुडिको खोलिबो 14 मे रु खोलिला केबे कोठो 25 तारीख कोठी 30 तारीख एवं तबे अपन टोकन रो अवधि दे देले 12 दिन एवं ता सत्वे भी जो 12 दिन रो अवधि दिला चासी मंडी को धान नेला सरकार तो टोकन देथिला सरकार प्रथमे टारगेट फिक्स करी करी टोकन देला ना माननीय मंत्री कहि दियंतु प्रथमे टोकन बांटी देले ओडिसा रो लोक को समस्त को एवं तापर टारगेट फिक्स कले एवं टारगेट फिक्स होइ गेला पर धान किडीले नाही टारगेट फिक्स हला एते धान किडीबो तापर चासी को टोकन देले चासी टोकन पाइला मंडी को धान नेला एवं आपण जोठी कोलाहांडी कथा को कहिबी जोठी रे माननीय मुख्यमंत्री गत वर्ष जाइथिले एवं कहि कि आसीथिले जे कोलाहांडी रो जो 21 वर्ष रो नवीन पटनायक शासन विजु जनता दल शासन कोलाहांडी रो जो भोकर भोगल थिला कोलाहांडी सेटा बदली गला एवं कोलाहांडी धर्मगढ़ अंचल रे 1055 जन चासी कर टोकन लेपसेला ए रवि ऋतु रे कौथि पाइले लेपसेला जे ठीक समय रे चासी टोकन पाइथिला एवं मंडी रे धान पकाइला मिलर्स माने लिफ्टिंग कोले नाही मिलर्स माने मंडी रु धान उठाइले नाही एवं जोथि पाई धान न उठाइबा कारण रो मंडी रे धान थई कि टोकन थई कि चासी रो टोकन लेप्स होई गला दाई चासी हबो आपण मिलर्स धान उठाइबो ने सेठी मिलर्स मानक सरकार रो साहस रहिबो जे धान तो उठावली कहिबा पाई ताकु टारगेट देबे 7000 क्विंटल 10000 क्विंटल उठाइबो तो धान उठाइला रे मिलर्स चासी केमती दै हबो तार टोकन लेप्स होई गला से कोठे बिकिबो दुई नंबर कथा आउची जे जो मारे धरंतु ए एटा देखंतु गुटे टोकन गुटे चासी नारे समान दुईटा टोकन आसीसी एवं बहुत संख्या रे चासी दुईटा टोकन आसीथिबा कारण से माने ताकर टोकन लेप्स गेला बिकी पाले नेथि पई के दै हेबो आ गुटे देखंतु मु आपन को देखौ छी एटा होची पदमपुर ब्लॉक अछि दहीगा जिप सोसाइटी सेठी 24 जणकर आपन को टोकन पाइथिले किंतु ताकर कंप्यूटर रे सरकार भुवनेश्वर रु आसीला दहीगा सोसाइटी जागा रे अड़गा सोसाइटी लेखि देले से माने एवं टोकन लेप्स होई गला सीएसओ को समस्त को लेखि के देले ता टोकन आसीला नै जेते लोक रजिस्ट्रेशन करथिले जो रेवेन्यू ऑफिसर वीएडब्ल्यू समस्त इंक्वायरी करी करी रजिस्ट्रेशन करबे चासी मानको टोकन देबा कथा समस्त रजिस्ट्रेशन करथिबा चासी को टोकन देले नै जो मानको टोकन देले लिफ्टिंग हेलानी टोकन लेप्स होई गला आमे दाबी करू छु सरकार को जे तमे तो 2 मास समय रखलो जे मंडी रो अवधि एवं 2 मास मध्ये किनिलो नाही 12 दिन रो टोकन कलो मिलर्स मंडी रो उठैला नाही एवं जो मानकर टोकन सरकार निजे देथिला धान टोकन लेस सेवा कारण रो चासी धान बिकी पाला नाही पांडवर मंत्री रणंत प्रताप स्वाई कहि दियंतु जे आमे दलाल मानकु टोकन देथिलु एटा सब दलाल माने एवनकर धान नुह चासी कर बोली मंत्री जति हिम्मत एवं साहस अछि कहि दियंतु जे ओडिसा सरकार दलाल मानक हाथ रे टोकन देथिला एवं आमे आ धान किडिबो नाही भारतीय जनता पार्टी चासी रो हक रो लड़ाई रे लड़िबो लड़ीची एवं आगामी दिन रे लड़िबो काही के सरकार थारो किणिबो नाही निश्चित भाबरे प्रदीप बाबू आपन टिकेट अटके बे आमसे त मध्य रहिछन्ते सुजनान पटनायक मध्य रहिछन्ते जिला कृषक संघ सभापति गजपति रो आमसे त रहिछन्ते तबे सूर्य बाबू आपन कोन कहबे जे जेहुली भाबरे वर्तमान जहा भी अभिजोग आसु छि जे चासी मानकर एबे भी धान मंडी रे पड़ी रहिछि गजपति जिला रे वर्तमान स्थिति कोन रहिछि केते जगह रे वर्तमान भी मंडी रे धान पड़ी रहिछि प्रकृत तथ्य कोन केते चासी एबे भी धान बिक्री करि पारि नाहंती सूर्य बाबू आपण सुनि पारु छथि हां ठीक है नमस्कार आज्ञा सूर्य बाबू मु जानिया पई चाहू छी जे गजपति रे वर्तमान एमिति केतेटी मंडी रही छी जेउठी चासी माने एबे भी धान धरी बसी छथि तांकर धान बिक्री होई पारि नाही टोकन पाई छथि किंतु धान बिक्री करि पारु नाहंती वर्तमान त मु कहबी जे गजपति जिल्ला रे रवि फसल किणिबा पई कोनोसी प्रकार अनुमति राज्य सरकार गजपति जिल्ला रो खाउटी विभाग को देई नांती आमे एही विषय नैकरी बारंबार दीर्घ 5 वर्ष होला आमे दाबी करके आसुछु माननीय जिलापाल ठार भी दाबी करूछु राज्य सरकार एसएलपीसी ने पास करबा पई आमे अनुमति मागुछु जे गजपति जिल्ला रे 7000 रु 8000 हेक्टर रबी फसल करा जाउछि तथापि मध्य ए अंचल रे कृषक मानकर धान किणिबा पई राज्य सरकार एसएलपीसी ने पास करू नांती जो द्वारा आमे वर्तमान गजपति जिल्ला रो चासी आनुमानिक मूल्य धान प्राय 10000 क्विंटल धान आमे आंध्र रे बिक्री करबा पई बाध्य होछु सागर
वर्तमान आपण जो कहते समस्या प्रदीप भाई आम कहते पश्चिम ओडिशार समस्या पश्चिम ओडिशार 17 जिले में धान किणा जाऊँगी जो 17 जिले में राज्य सरकार एसएलपी पास कराई किसी नीति निर्धारण करती गजपति जिले में तो आद नुहे गजपति जिले में रवि फसल किणवाई कौन सी एसएलपीसी प्रस्ताव ना कि चाषी धान किणवाई कौन नियम भी प्रणयन कर जो द्वारा चाषी तार जो प्रडक्ट बर्तमान उत्पादन करोलन व्यवसाय हाथ में शाग मछ दर में क्विंटल पिछा 800 टंका 900 टंका बिक्री करने बाध्य हूँ बास्तव चित्र गजपति जिले में आज देखा चाहते जदि पूर्वर कथा आप देखिए खरीफ ऋतु कथा जदि कह खरीफ ऋतु जत गजपति जिले में 16,000 ऊर्ध चाषी आप पंजीकृत होते गजपति जिले में से समय दीर्घ 1,000 रु 1,500 जन चाषी टोकन लैब सेवा द्वारा धान से बिक्री कर पारे तबे सूर्य बाबू वर्तमान ए रबी ऋतु रे केते धान चासी माने वर्तमान प्रभावित होइछंती गजपति जिला रे वर्तमान पर्यंत गजपति जिला रे 8000 हेक्टर चास जमि रे रबी फसल करा जाउछी अन्यून प्राय 2000 रु ऊर्ध चासी ए रबी फसल चाष करुछंती किंतु सेमानकर धान दीर्घ 5 वर्ष ला राज्य सरकार किणु नांती आमे बारंबार अभिजोग करुछु जिलापाल पाखरे पूर्व जिलापाल मानकु कहिकरि आमे एठरु डीएलपीसी रे पास करिकरि एसएलपीसी पै अनुमोदन पै पठा जाउछी किंतु एसएलपीसी तार अनुमोदन न करी खरे देवा द्वारा गजपति जिलार धान रबी फसल पै आदो किणा जाउ आज्ञा सेति पै आमे चासी माने अन्यून 1500 रु 2000 चासी आमे धान सरकारी धार्य दर रे बिकिबा पै संदीप दास आम सहित अच्छा कृषि विशेषज्ञ संदीप बाबू वर्तमान आपको जीवाक चाहिए जो भाई भाव में गोटे पटे चाषी मान समस्या रही आउ गोटे पटे बीजेपी लगातार भाव में चाषी स्वार्थ को लेकिन जब देखा धारणा देखिए प्रतिवाद करु आउ गोटे पटे सरकारी दल मंत्री कहते जे आउट चाषी मानकरु धान किणार अवधि जहाँ रही मंडी में ताकू आ वृद्धि करा से केंद्र निकट को चिट्ठी लिखे ना प्रकृत में जो तथ्य दे कृषि मंत्री जो खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं जो तथ्य दे गत थर 83% चाषी रबी ऋतु में धान किणा जा चलित थर 91% चाषी रबी ऋतु में धान किणा जाकूँ कि देखुं चाषी मान टोकन जो मानक दि जाएगी टोकन अवधि शेष हो जाए धान तार अवधि का वृद्धि करा जीवो नहीं मंत्री को निष्पत्ति को आपण किभली विचार करुछंती संदीप बाबू मैक्रो रूल लो मो दउछि बेसिकली जदि ए माने टोकन सिस्टम दउछंती तार माने कोन टोकन जे माने ते प्रोक्योरमेंट बेसिकली जो टोकन सिस्टम ता एम था कि सब चाषी जाइना मंडी में भिड़ न करूँ तो ग्राजुअली गोटे प्रोक्योरमेंट गोटे एफिशिएंट सिस्टम एक्चुअली टोकन सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड इन मध्यप्रदेश सब सूर्यकट तुमको एसएमएस जाऊला फार्मर को कि यही दिन में आपको ह्विट और रईस आप आने प्रोक्योरमेंट हो तो ये टोकन सिस्टम गोटे बढ़िया एफिशिएंट सिस्टम बट जदि ओडिशा गवर्नमेंट जो रजिस्टर कर फार्मर को इवन इफ 93% प्रोक्योरमेंट 7% फार्मर को कहीं करें यही क्वेश्चन बड़ा तो रजिस्ट्रेशन कहीं करते जदि से प्रोक्योरमेंट करें तो रजिस्ट्रेशन कर कारण बहुत सारे मुझे देखुची राज्य सरकार क्योंकि कोरोना काल में बिकज अफ द लॉजिस्टिकल इश्यू बहुत गुड़ाक इश्यू जो बहुत सारे पंजाब अल्सो जो ह्विट प्रोक्योरमेंट है एक्सटेनसन मांगी थे मतलब टे डिले एक्सटेनसन जो शुरू होता है पर करूँ प्रोक्योरमेंट तो ओडिशा सरकार भी यही कर पाता कि जून गोटे हफ्ता दे दिखाँ क्योंकि 93% प्रोक्योरमेंट से सारी 7% प्रोक्योरमेंट करें कौन बाधा पड़ी मुझे ये जिन बुझीपी एंड जदि से जून जून 30 पर देन रजिस्ट्रेशन करुले कहीं दैट मीनस गोटे गोटे कौटी इनफिसीयसी अच्छी सिस्टम रे एंड जो मोर फार्मर्स लीडर मैंने जो मैंने कहते जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दौले कि डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन भी होती तो से गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम जदि रजिस्ट्रेशन करना भी चाषी मैंने निज पैडी को मतलब धान को मतलब मंडी ये करी पारु ना सेल करी पारु ना थी दैट मींस सिस्टम रो बहुत बड़ा इनएफिशिएंसी अछि आउ गवर्नमेंट जदि एते बड़ा काकर 48 मिलियन टन्स रो प्रोक्योरमेंट टारगेट अछि माने पूरा भारत रे 48 मिलियन टन रो टारगेट अछि तो ए 7% फार्मर्स रो एक्स्ट्रा किनि बारे किछि मतलब जे कोनो से बाधा थिला आई थिंक देयर इज समथिंग मोर इनटू मतलब मु मैक्रो लेवल में कोई परे दिल्ली रही ना कोई परे से देयर इज समथिंग मोर इनटू इट एंड इनएफिशिएंट सिस्टम और रजिस्टर कई कले मोर सम गोटे इनसे रजिस्टर करी करिना भी ताको प्रोक्योरमेंट करिवेनी तो करथले का के रजिस्टर तो और पर्टिकुलरली कोविड टाइम रे तरह लॉजिस्टिकल इशू बहुत गुडा इशू है तो
ଯଦି ସାତ ଦିନ ବି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମାଗିଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଫ୍ସିଆଇ ୟା ଫୁଡ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଇଥାନ୍ତି ନେଇ କରନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି ଗୋଟେ ଇନଫିସିଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ମେବି ମେବି ମୋ ମାଇକ୍ରୋ ଲେବଲ୍ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଏ ରବି ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଫ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉଠି ରବି ଧାନ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଟା ଧାନ ହୁଏ ଖରିଫ ତିନିଟା ମତଲବ କ୍ରପ୍ ନିଏ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତ ସେ ରବି ଧାନକୁ ବି ଆଗକୁ ଦେଖି ସରକାର ଯଦି ଚାହୁଁଛି ରବି ଧାନକୁ ମତଲବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନହଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଲେବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରେ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ୟାଡି ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ରାଇସ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଗଣେ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ରେନ୍ ଦଉଛୁ ଅଣ୍ଡର ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ତା ଥୁଆ ବି ବହୁତ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଡବଲ୍ ଅଛି ଅବିକା ବେଶୀ ତ ବେସିକାଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ କି ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାଡି ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଡାଲି ସେଇଟା କହିଛି ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କାରଣ ଆଉ ସେଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଢକେଇବା ପାଇଁ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛ ତ କାହିଁକି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବନି ଏଇ ଲଜିକ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲଜିଷ୍ଟିକାଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କାରଣ ହଉଛି କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲଜିଷ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମାରିଥାନ୍ତେ ସାତ ଦିନ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଅ ସେମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ହକ୍ ରହିଛି ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବଳି ପଡିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ହକ୍ ରହିଛି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ 83% ଧାନ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଋତୁରେ 91% ଧାନ କିଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଠି କହିଥିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସବୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଭଳି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଏବେ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି କେବଳ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ଚାଷୀମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ସରକାର ଦେଲାନି ରବି ଋତୁରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଛି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗତଥର ଯେଉଁ ରବି ଋତୁରେ କେତେ ଧାନ କିଣିଥିଲା ସରକାର ଗତଥର 17 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଲା ଏ ଯେଉଁ 91% ବୋଲିଛନ୍ତି ତାର ପରିମାଣ କେତେ ତାର ପରିମାଣ ହଉଛି 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଗତଥର 17 ଲକ୍ଷ କିଣିଥିଲା ଏଥର 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣି ନେଇ ଗଲା ସବୁଠୁ କମ୍ କିଣିଛି ଏବଂ 20,000 ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି 5,000 ରୁ 7,000 ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲା ମଣ୍ଡିରେ ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମୁଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିବି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ଏଠାରେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ସହ ଏ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଧାନରେ କଟିନି ଛଟିନି 8 କେଜି 10 କେଜି କରିବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1868 ଟଙ୍କା କୌଣସି ଚାଷୀ ପାଏ ନାହିଁ 10 କେଜି ତାର ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ କାଟିଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବସ୍ତାର ପଇସା ଦଉଛି ପରିବହନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦଉଛି ସୁତିନିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦଉଛି କୌଣସି ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମିଲର୍ସ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହିଁ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରୁଛି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏବଂ ଶାସନ ହେଲାଣି
जदि चाषी खाली भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करूनाई आपण जदि देखिबे बरगडरे धान पकाइछि चाषी सेठी राजरास्तरे आंदोलन करूछि झारसुगुडारे धान पकाइछि अतावीरारे कोलाहांडीरे चारिआडे चाषी माने आंदोलन करूछन्ति एवं भारतीय जनता पार्टी गोटे राजनीतिक दल हिसाबरे तार नैतिक दायित्व एवं कर्तव्य ओडिशार चाषी किभली हक पाइबे से लडाईरे भारतीय जनता पार्टी पछ गुच्चा देबो नाही जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाबरे आमे मु मध्य सेया ही चाहूछु जेउ चाषी मानकर हक रहिछि जेउ मानकर हक रहिछि मंडीरे धान बिक्री करिवे सेमाने जदि मंडीरे धान बिक्री करि पारु नाहंती तेब सरकार निश्चिंत भाव में आहा उपरे चिंता करिवार आवश्यकता रहुची एवं जेउ चासी माने वर्तमान भी बळी पडिछंती जेउ माने धान बिक्री करि पारि नाहंती सेमाने मध्य किभळी धान बिक्री करि पारिबे तांको ठारु सरकार धान किभळी किणिबे से प्रक्रिया मध्य मंत्री करिवार आवश्यकता रहिछ एवं चिंता करिवार मध्य आवश्यकता रहिछ समय होछि एक छोटो कमर्शियल ब्रेक रो ब्रेक परे मध्य आलोचना ए संपर्कित जारी रहिबो जे किभळी भावरे गोटिए पटे कुहा जाउछि जे चलित वर्ष 18% रो अधिक धान किणा जाइछि 62,93,000 मेट्रिक टन धान किणा जाइछि किंतु चासिंकर समस्या काई रहिछि ए संपर्कर परवर्ती समय आलोचना करिबा वर्तमान समय छै एक छोटो कमर्शियल ब्रेक रहा ब्रेक पर स्वागत आम जहाँ आलोचना करुचे जे चाषीर धान बिक्री चिंता एवं लगि रही गोटे पटे मंडी रे धान बिक्री अवधि शेष हो गला आउ गोटे पटे सरकारी हिसाब रे मध्य कह सारा जे केन्द्र निकट को धान जो बिक्री अवधि रही मंडी रे ता वृद्धि करवाई चिठी लिखा ना जो अवधि रही है ताेष हो गला लगातार भाव में आम सहित रही संदीप दास आम सहित अच्छा कृषि विशेषज्ञ और सूर्य नारायण पट्टनायक आम सहित अच्छा जिला कृषक संघ सभापति गजपति आम सहित प्रदीप पुरोहित लगातार भाव में रही बीजेपी नेता आम सहित अच्छा वर्तमान सूर्य नारायण बाबू आप आसबि जदि आम देखा सूर्य बाबू जे भाई भाव में गजपति जिलार कथा आप कहते जे चाषी मान समस्या एवं भी मंडी में लगि रही अनेक जगार गजपति देखा अनेक मंडी एभली रही जोटी चाषी मान समस्या लगि रही किंतु जो कथाटी आम ये कहे गत काली मंत्री कहते शासक दल मंत्री कहते जे मध्यस्थी मान खुशी करने कि यह कड़े कर राजनीति कर एवं सेथिपाई कि विरोधी माने राजनीति करुछंती बोली मंत्री कहिछंती किंतु कथाटी हेउची प्रकृत रे कोन आपण भी से अनुभव करुछंती जे चासी एवं सरकार को भितरे ए मध्यस्थी माने रहुछंती निश्चित रूप रे आज्ञा निश्चित रूप रे मु जहा कहिबे जे देखंतु गोटे त हला जे चासी आ सरकार भितरे गोटे रिलेशन हला चासी रो रजिस्ट्रेशन कथा मु कहिबे चासी सरकार कहला जे तुमे चासी माने सब तुम जमीर कागज पट्टा देकर निजे रजिस्ट्रेशन कराओ आमे सब रजिस्ट्रेशन करलो तार अर्थ कोनो सीधा चासी आ सरकार भितरे संपर्क रहला तो एठी काही के असुविधा होती सरकार जे समस्त पंजीकृत चासी कोटर धान किणबा पई आमे डिमांड करतो पंजीकृत चासी को धान किणो किंतु से जो पंजीकृत चाषी धान किणवा विषय को लेकर विभिन्न प्रकार जो असुविधार सम्मुखीन होते चाषी केत तार टोकन लैप्स होते तार मिलर धान उठा के मिलर कटनी छटनी ना तार धान को फेर दौती ये सब समस्या जो बारंबार चली रही विगत दिन मान अनुभूति मुझे जे सार प्रदीप्त सार कहते 10 kg कटनी छटनी से गजपति जिले में अनुरूप परिस्थिति आम देखी जे 10 kg धान कटनी छटनी ना मिलर्स मैंने नौ प्रकार परिस्थिति जिते हूँ मध्यस्थी जदि लिंक नाले कहीं चाषी डरू धान बिक्री करने घटनाटी है जे केवल चाषी ना नामित हो मध्यस्थी तार मध्यस्थता करुची एवं जो चाषी छोट छोट चाषी से निजे मंडी को आसी पारुनी दूर दूरांतर चाषी से मध्यस्थी को व्यवहार करुची एवं मध्यस्थी तार फायदा नौची एवं मध्यस्थी एवं जो सेवा समवाय समिति भितर ताकर गोटे मधुचंद्रिका रहुची जो मधुचंद्रिका द्वारा चाषी संपूर्ण भाव क्षतिग्रस्त हो उदाहरण आम विगत दिन मान देखु यहाँ चाषी संगठन तरफ रू आंदोलन गजपति जिला जे चाषी मान को कटनी छटनी ना कहीं कमे दी जाए गत वर्ष जो खरीफ ऋतु में 1500 रु 2000 चाषी टोकन लैब्स ना जो चाषी बढ़ी गले कहीं बढ़ी गले जे चाषी जे रजिस्ट्रेशन कर सूर्यनारायण पट्टनायक मोर 5 acres जमी अच्छी धान बिक्र योग्य जदि मु 5 acres धान बिक्री न करी मु निश्चित भाव से दर्शी तो सरकार तो जानते जो सूर्यनारायण पट्टनायक 5 acres जमी अच्छी किणवा को बाध्य कि नुह सरकार एक प्रश्न टे पचार चाहे जदि मु 5 acres जमीर आधार सरकार को बिक्री करी कौटी गोटे भूल रही मुझे कहि आप
हाँ निश्चित भाव में संदीप बाबू मुझे बर्तन आप आसपा चाहिए संदीप बाबू जहाँ भी ये आलोचन गोटे दिगक बर्तमान जाऊे जे ये मध्यस्थी मैंने सब बड़ विभ्रांतिकर परिस्थिति सृष्टि करुं सरकार और चाषी भितर जो धान किणार प्रोसेस रही मध्यस्थी जो ये हि प्रभावित होफर चाषी जो टोकन पाई केत प्रभावित होषी को केतबाला कटनी छटीर सामना करने पड़ी आउ के देखा जे चाषी मैंने उपयुक्त टोकन पाई सठिक समय मंडी की जापना तो आउ के दलाल मैंने विभिन्न प्रकार जो मंत्री जो कौन दलाल शब्द टी व्यवहार कर दलाल मध्यस्थी ये ही चाषी मान प्रभावित कराद्वारा अल्टिमेटली हराणी होती चाषी आपको आप देखुंत कौन ये मध्यस्थी एवं सरकार को एवं चाषी भितर रहा आवश्यक आप अनुभव करूँ को हटा गले सरकार चाषी मान धान किणी पारे ना जो धानटा किणुची किए प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑफ द पैक्स के थ्रू किणा होची रजिस्ट्रेशन करा होची फार्मर्स को सरकार किणुची धान एंड ए धान रो गोटे 50% बिकॉज़ ओडिसा गोटे ग्रेन सरप्लस स्टेट तो तारो आधा परसेंट पे एफसीए को दिया हुआ है मतलब चावल दिया हुआ है और एफसीए पे निजरो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में रखा जाए तो दैट इज द सिस्टम अदरवाइज ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर रो रोल अच्छी से मदसी नथले किणिबो किए सबुदर सरकारी किणिबो तो प्राइवेट सेक्टर कोनटा किणिबो बेसी तो दैट ठीक अच्छे आपड़ जहाँ कहते मध्यस्थ जदि नए सबू तो सरकार किणीपर ना ये मिलर्स मैंने रही जो मैंने कि धान किणारे अंशग्रहण करती और चाषी मान मिलर्स मैंने धान किणती कितु ताक जदि सरकारी स्तर में मनिटरी कराता क्यों चाषी केमाण धान मिलर्स किणुं केटनी छटनी करोंशीर क्यों ग्रेड्र धान रही आपको जदि तर्जमा कराता एक प्रकार स्वच्छता आसीपारंता चाषी हईरा हमें ना Absolutely, क्योंकि से जो ग्राउंड लेवल कौन हुए जो चाषी धान नहीं आसे तार मॉइस्चर कंटेंट और सो फॉरेन पार्टिकल्स सब डिसाइड हुए कितने मॉइस्चर कंटेंट है बेसिक मॉइस्चर कंटेंट तो ये सब जिन मुझे लगे इनफिसिएंट पैक्स जो प्रोक्योरमेंट करे एजेंसी प्रोक्योरमेंट करे जो मंडी या यार्ड जो प्रोक्योरमेंट हुए सेटा इनफिसिएंसी अच्छी बुझीपी गोटे लोक रजिस्टर कर लैंड रिकॉर्ड तार आधार कार्ड तार लैंड होल्डिंग जमा कर प्रोक्योरमेंट करना देखा पड़े जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम मैं जो कोरोना काल में सबकि नॉर्मली फिक्स्ड चलनी बहुत जगह बहुत स्टेट एक्सटेंड कर जो गहम कथा कहले गहम यूजुअली स्टार्ट इन मंथ ऑफ अप्रैल फर्स्ट से हुए पंजाब लिखला कि हमको कोरोना काल से जो पीक कोविड अच्छी से आपको 15 दिन पर स्टार्ट करूँ तो ये भी सेमती कर पारे बिकज चाषी मैंने आनी पारे जो 7-8 दिन जो आउ बढ़े था टाइमिंग अगेन कमिंग बैक टू सेम 91% लोक किनि पारुछथि आउ 9% लोक किनिबारे कौन प्रॉब्लम हो तो सीटा क्योंकि सब सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार तो कौन पैसा खर्च करनी सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूसरी ट्रांसपोर्टेशन सब तो ये कहीं अच्छे ओब्वियसली समथिंग बहुत इनफिशियंट ग्राउंड लेवल अच्छी कौन जिनसे सरकार बोलते चाहिए कवर करने न आसूर हम कौन किसी 9% लोक कौन करेंगे बिलो एमएसपी जो 1800 लोक किनिदेव चाषी मैंने जो गजपति बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट बाहर लोक कि लोक आसट लॉजिक इज एब्सोल्युटली नॉट वैलिड सेटा होता सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मोर एक्सपीरियंस कहूँ छत्तीसगढ़ होता क्योंकि छत्तीसगढ़ गोटे बोनस दूसरा तो सीट ओडिशा लोक किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिकी दूसरे भी रोकी जदि एमएसपी से आंध्रप्रदेश अच्छी एमएसपी छत्तीसगढ़ तो कहीं व्हाट इज द इंसेंटिव गोटे फार्मर्स को मतलब इवन आंध्रप्रदेश वाले बिकार इंसेंटिव नहीं था ना मैं लॉजिक रे बुझ पाटे मत लगे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड के हाँ बढ़े दिए कारण मैक्सिमम तो सारी प्रोक्योरमेंट तो यहाँ गोटे जिन 20,000 फार्मर्स को पॉलिटिक्स एंड जो दलाल
ଦଲାଲ ରୋଲ ଏଠି କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଯଦି ସେମାନେ କିଣିବେ ଓବିଏସଲି ବାହାର ଲୋକ ଆସି କିଣିକି ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ତଳେ, କାରଣ ଚାଷୀ ତ ବିକିବ କେତେ ଲକ୍ଷ, ତାକୁ ପଇସା ଦରକାର ଖରିଫ ଖରିଫ, ତେଣୁ ଅଲଟିମେଟଲି ଚାଷୀ ହିଁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚାଷୀ ହିଁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ଧାନ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଭା ଶେଷରେ ସର୍ବମୋଟରେ ଚାଷୀ ହିଁ ଏଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଆନ୍ତା, ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ରହିଛି ବା ଧାନ କିଣା ଅବଧି ଆଉ ଟିକିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଆନ୍ତା, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 91% ଯଦି ଧାନ କିଣା ଯାଇଛି, ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି 91% ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଯାଇ ସାରିଛି ଆଉ ବାକି 9% ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିଥିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ମନିଟରିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଯଦି ମନିଟରିଂ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମନିଟରିଂ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ କରୁନାହିଁ। ଏ ସରକାର ତ ଆଗରୁ ତ ଆପଣ ଡିଏଲପିସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେଡି ପ୍ରୋକରମେଣ୍ଟ କମିଟି ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଧାନ କିଣା ବିକା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ସବୁଥିରୁ ବଢିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇଛି, ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ଧାନ କିଣା ବିକାର ସରଳୀକରଣ କରିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନର ଅବଧି ବଢେଇବା କଥା, ଅବଧି ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 2 ମାସ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ କିଣିବା କଥା, ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଏମାନେ ଖୋଲିଲେନି ମଣ୍ଡି, କୋଉଠି 5 କୋଉଠି 10 କୋଉଠି ମେ 25-30 ତକ ଖୋଲିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧାନ କିଣାର ସମୟ କମିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଲେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ସମୟ ସୀମା ଥିଲା, ତାର ରବି ଋତୁରେ ହଠାତ 12 ଦିନ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟୋକନ ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ନଉଥିବା କାରଣରୁ ଲେପ୍ସ ହେଲା ଏବଂ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଯାଇ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଥା, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ଦଲାଲର କଥା, ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସରକାରର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଦଲାଲ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଦଲାଲ, ମୋତେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଟୋକନ ଦେଇଥିଲା, ଟୋକନ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କୋଉଠି କିଣିକି ଆଣିନେଇକି ବାହାରକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି? ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସରକାର ତ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇବେ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଲାଲ କହୁନାହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ନେଇକି ମିଲର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦିଏ ବା ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଆନ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି ମନିଟରିଂ କରାଯାଆନ୍ତା, ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କାହିଁକି ମନିଟରିଂ କରିବ ଏଠି ସରକାର, ସରକାରର ଲାଭ କଣ ହବ ମନିଟରିଂ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏଠି କିଏ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କିଣା ବିକିବାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହଉଛି ହଉଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମଣ୍ଡିକୁ ମିଲର୍ସ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଧାନ କିଣା ବିକା ସମୟରେ ମିଲର୍ସ ମାନେ କୌଣସି ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ଆରଏମ୍ସି ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଲା ଧାନ କିଣେ, ସେଠି ଯଦି ଦେଖିବ ଧାନ ଶୁଖିନି ତାକୁ ପୁଣି କହିବ ଶୁଖେଇକି ଆଣିବ, ମକ୍ସଚର ଚେକ୍ କରିବ, ଧାନ କିଣିବ ଏବଂ ଧାନ କିଣିଲା ପରେ ମିଲର୍ସର ଭୂମିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇକି ଟ୍ରକ୍ ପଠାଇବ ମଣ୍ଡିରୁ ନେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରଏମ୍ସି ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଲା ସରକାର ଧାନ କିଣେନି, ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କହିବେ ତମ ଧାନ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଧାନ ଥିଲେ ବି କହିବେ ଯେ ତମର ଧାନ 8 ଦିନ ନ କଟିଲେ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଧରନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯେ ଆମର ମଣ୍ଡିରେ ଏତେ ଧାନ ପଡିଛି 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରକ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମିଲର୍ସକୁ ସେମାନେ ଟେକ୍ ଦେଇଥିବେ, ଧରନ୍ତୁ 10ଟା ମିଲର୍କୁ ଟେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡିରେ, ସେ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ମିଲର୍ସକୁ କହିବନି ଯେ ଟ୍ରକ୍ ନେ ଧାନ ଉଠା ବୋଲି, ମିଲର୍ସ ଦେଇକି 8 କେଜି କଟିଲି ଛଟିଲି ଯଦି ଚାଷୀ ରାଜି ହେଇଗଲା ଧରନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ, ତାହେଲେ ହଁ ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଧାନ ଆମର ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଧାନ ଉଠିବ, 8 କେଜି ଧାନ କଟିଲି ଛଟିଲି ହେବ। ତ ଦଲାଲ ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ତ ମିଲର୍ସ ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଏବଂ ମିଲର୍ସ ଜରିଆରେ ବର୍ଷକୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀର ଲୁଟ୍ ହଉଛି, ଏବଂ ସେ ପଇସା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିବେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏ ପଇସା ଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ଅଛି, ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ହଉଛି, ସରକାର ଚୁପ୍ ଅଛି,
1868 केन्द्र सरकार दौछि चासी पाउने ओडिसा सरकार पछि बस्तार पैसा ट्रांसपोर्टेशन पैसा लेबर चार्ज केन्द्र सरकार दौछि चासी पाउ नै ओडिसा सरकार रणेन्द्र प्रताप सोई काई कि चुप अछन्ति भल धान मंडी चासी अछि 10 केजी भीतर काटि के उठौछि ओडिसा मंत्री काई कि चुप अछन्ति एमानक जरिया रे लूट होउछि सरकार जानैछि एवं सरकार बहुत बड़ फायदा होउछि दलीय पार्टी संग्रह करबाय चासी पर धान किना बेकर संग्रह करूछि आज्ञा निश्चित भाबरे तबे समस्या तो रहूछि जहां हेले भी निश्चित भाबरे सूर्य बाबू मु वर्तन आपन पाखु आसिया पई चाहिबे जने कृषक नेता हिसाब से आप कौन कहे जे केवल गजपति जिले में जो समस्या कथा आप देखुं केवल यह समस्याटी गजपति जिले में ही रही अन्य जिला मानक आम पाखे जहाँ खबर रोच मो पाखे जहाँ खबर अच्छी अन्य जिला मानक अनेक चाषी रही जो मैंने 9% चाषी भितर आसुंच जो मैंने भी चाषी बली पड़ जा बाकी रही जाती क्षमा करेंगे बाकी रही जाती जो मैंने कि मंडी में धान बिक्री करना तेज समस्या कौटी उपजुची एम कहीं बिक्री करें सब बड़ प्रश्न वर्तमान सूर्य बाबू ठीक कथा कहते आपड़ जो समस्या टी वर्तमान विगत दिन खरीफ ऋतु आम देखा चाहूँ वर्तमान खरीफ ऋतु जो समस्या टी उपजी गजपति जिलार 16,799 जन चाषी भितर मुझे देखी से 15,000 चाषी बिक्री करें आज अवशिष्ट 1500 जन चाषी कहीं बिक्री करें तार कारण तो आपण मान को कहली टोकन अवधि जो देते टोकन से बांटि दिगला कि टोकन अवधि समय भितर धान रखा गला ना तार मुख्य कारण जो पुरोहित सार कहते मत प्रदीप बाबू जे मिलर हूं सब बड़ दलाल जो दलाल को आपण मिलर को आम कह से ही सब समस्या जड़ बोल कह तेणु जदि मिलर माने जदि सीधा सड़ सब बड़ कारण जेहतु से जोगाण विभाग जो अधिकारी रही तनखी करने संपादक मान जो सेवा समवाय भितर संपादक मान प्रशिक्षित होकर द्वारा मिशन भी अच्छी ताको जो परीक्षा निरीक्षा करवा कथा कि मिलर निर्धारण करानर मान कौ प्रकार हम से प्रकार चलने सरकार बाध्य होती जो द्वारा संपूर्ण भाव चाषी एटी क्षति सहवा पड़ी जो परिस्थित गजपति जिलार 1500 चाषी गत वर्ष खरीफ ऋतु धान बिक्री कर वंचित होती जो मैंने वर्तमान परवर्त समय से सरकार अनुमति देवा कथा बिक्री करने आद से विषय चिंता कले ना एवं से बिक्री करने कौन बाट देने पर्यटन बर्तमान निज घर धान रखिक बच्चे आसंता खरीफ रे किपर बिक्री करेंगे कौटी आज चाषी तार सुविधा पाई चाषी समस्या कौटी समाधान है कहि जदि तार सूर्य बाबू वर्तमान चासी रो धान बिक्री करिबा पाई कि आउ किछि समय दिया जाउची ए वर्षा दिने एवं ए वर्षा समय रे जेते बेले वर्षा ऋतु आसिलानी ए समय रे जदि मंडी रु धान नहीं कि जीव चासी सेठी कोन धान बिक्री होई पारिबो धान ए अवस्था रे तो मंडी रे पड़ी नष्ट होई जीव सेठी एसएलपीसी मीटिंग प्रतिनिधित्व करूतुलु भुवनेश्वर से सेवा समवाय समिति गुडाक जी इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार चाषी धान रखा जो चाषी धान आणती धान रखा तार पाल खंडे दिंतु कि धान रक्षण बेक्षण व्यवस्था करूँ जो द्वारा चाषी दि दिन चार दिन लेट हेले तार धान बिक्री करने योग्य हो पार आमे बारंबार विभिन्न कर्तृपक्ष आगे दावी उपस्थापन करूँ एवं कही राज्य सरकार को भित्तिभूमि सजाड़ू सेवा समवाय समिति भित्तिभूमि सजाड़ू एवं से अंचल चाषी जो प्रकार सुविधा हो पार धान जमी प्रत्येक चाषी धान बिक्री करार व्यवस्था करने निश्चित भाव में आम कृषि प्रधान राज्य संदीप बाबू आप चाहिए कृषि प्रधान राज्य हिसाब से आम जिते कृषि को अग्राधिकार देछे कृषि पाई जी जत्न ने कथा कृषि पाई कि जेतिकी आमको अर्थ खर्च करिबा कथा कृषि डेवलपमेंट पाई कृषकंकर उन्नति पाई कि आमको जेतिकी व्यवरात करिबा कथा तांकर उन्नति पाई बा कृषक मानकर उन्नति पाई कि भित्तिभूमि सजड़ा पाई कि जेतिकी पदक्षेप नियाजिबा कथा सरकार तरफ राज्य सरकार तरफ पर्याप्त परिमाण में निया जाउछि आपण अनुभव करुछन्ति
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ରୋରେ ବୋଲେ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ନେଇକା ଯୋଉ ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ କରେଣ୍ଟ ସିନାରିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହଉଛି, ଆମର ଅଏଲ ସିଡ୍ସ ଅର ପଲ୍ସିସ୍ ଯୋଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ କାରଣ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ, କାରଣ ସମୟ କମ୍ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ। ବେସିକାଲି ଅଭି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଯୋଉ ଏକ୍ସେସିଭ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଛି କି ସରକାର ଟିକେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରୁ, କି ସେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରି ଏତେ ରବି ଧାନ ନ କରି ଅର୍ ଧାନ ଡାଲି ଜାତୀୟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ୟାଡି 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 ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥିବ, କାରଣ ଏଇ ପ୍ୟାଡି ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିବ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋର କହିବା ହେଉଛି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଲାଇମେଟିକ ଜୋନ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ, ଅଏଲ ସିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦାମ ଯୋଉ ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଉପରେ ଅଛି, କେତେ ଇଭିନ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଇସ୍ ହାଏ, ବିକଜ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ପେଲସେସ, ଆମେ ଅଏଲ ସିଡ୍ସ ଆଦ 50% ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ତ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରବି ଧାନକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ ତିନିଟା, ଯଦି ଏତେ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରିବ। ଏକ୍ସେସିଭ ଷ୍ଟକ, ଆମେ ତ ବାସ ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଇ ଷ୍ଟକ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିନା କରିବ କ'ଣ, ଏତେ ଷ୍ଟକ୍ ନେଇ ଆମେ PDSS ଦେଲା ପରେ ବି ଏତେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଉ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ, ଚାଷୀ ଯଦି ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରେ, ସରକାର କିଛି ଫୋକସ୍ ଏରିଆରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରେ, ରେନ୍ଫେଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରେ, ତ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ ଚାଷୀ। ଡାଲି ପଲ୍ସେସ ଅରହର ଡାଲି ମୁଁ ତ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ, ତ କେତେ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେଇଟା ଯଦି ସରକାର କରିପାରିବ, ତେବେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିପାରେ, ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ରହିଛି। ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ କଥାଟି ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଧାନ ଚାଷୀ ସହିତ ମୁଁ ଜଣେ ହରଡ଼ ବି ଚାଷ କରେ, ମୋର ଜମିରେ କିଛି ଜମି ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ହରଡ଼ ବି ଚାଷ କରେ। ହରଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହରଡ଼ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିଛି ସାର୍, ମୋର ହରଡ଼ କିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ହରଡ଼ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର MSP କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରର ଅଧା ଦରରେ ମୁଁ ହରଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜମି ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ହରଡ଼ ବି ଚାଷ କରେ, ମୁଁ ଜଣେ ଅଏଲ ସିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମଧ୍ୟ। ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କୃଷି କୃଷର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ବି ଦଉଛୁ, ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଛ ଚାଷ କରେ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଛି ସେଥିରେ ବି କିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୃଷି ଆଉ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଉଚିତ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତା ବା ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଧାନ ବା ଯେଉଁ ବି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଦାମରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ନେବି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, BJP ତରଫରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର, ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ ତ ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଠିକ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କଥା, 22 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ 2% RMC ବାଲା ପାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି RMC ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 70 କୋଟି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ପ୍ୟାକ୍ସ ବାଲା ଆପଣଙ୍କର 29 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଗୋଟେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚାଷୀ ଧାନ ରଖିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନେ କେବେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଲେ ନାହିଁ କି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀର ଧାନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିରି ଗଜା ହଉଛି। ଏବଂ ମଣ୍ଡି ବଢେଇବା କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ ଦେଲା ଆଉ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ବିକି ପାରିଲେନି, ଟୋକନ ତ ଦେଇଛି ସରକାର, ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ସରକାର କିଣୁ, ଧାନ ମଣ୍ଡିର ସମୟ ସୀମା ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତମେ ତ 2 ମାସ ଅବଧି ଥିଲା, ତମେ 2 ମାସ କଲ ନାହିଁ, ମାସେ 1.5 ମାସ କଲ, 12 ଦିନର ଟୋକନ କଲ, ଲେଫ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଟୋକନର 5000 ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଦାବି କରୁଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଦଲାଲ ଶବ୍ଦ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ, ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଚାଷୀକୁ ଟୋକନ ଦେଲେ ତାକୁ ଦଲାଲ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନାହିଁ, 5000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏମିତି ବି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦିଗରେ
उपरे सरकार टिके चिंता करिवार आवश्यकता रही चाषी माने धान किभली बिक्री करी पारिबे से नेकि सरकार टिके चिंता करिवार आवश्यकता रही। मु धन्यवाद देवी संदीप दास आम सहित थिले कृषि विशेषज्ञ सूर्यनारायण पटनायक आम सहित थिले जिला कृषक संघ सभापति गजपतिर एवं प्रदीप पुरोहित बीजेपी नेता आम सहित जोड़ी होते बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आम सहित जोड़ी होता हेतु। तो दर्शक बंधु आम जहाँ आलोचना करुले धान बिक्री चिंता बर्तमान भी चाषी मुंडे रही गोटे पटे धान बिक्री समय सीमा गड़ी जाता बेले आउ गोटे पटे जो माने बाकी रही जाइंट जो चाषी मैंने धान बिक्री करी तांको समस्या कथा सरकार टिके चिंता करार ये आवश्यकता रही धान किभली किणाज से नहीं कि सरकार टिके चिंता करूँ। बर्तमान समय हो जाए स्वतंत्र उपस्थापना को ये रखुचु। नमस्कार।